आपको महराजगंज से बता रहे हैं जहां पर भारत नेपाल सीमा को सीज किया गया। बहत्तर घंटे तक सील होगी सुनौली फूटीबारी सीमा। एडीजी जोन ने किया भारत नेपाल सीमा का निरीक्षण। नेपाल में निकाय चुनाव को लेकर किया निरीक्षण। पीएम मोदी के लुम्बिनी दौरे को लेकर चौकसी बढ़ाई गई। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा को पीएम मोदी लुम्बिनी पहुंचेंगे। 13 मई को नेपाल में होने हैं निकाय चुनाव। एसएसबी पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के साथ की बैठक। महराजगंज से खबर, आज रात 12 बजे से भारत नेपाल सीमा होगी सीज। 72 घंटे तक सील रहेगी सोनाली फूटीबारी सीमा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए महराजगंज से। ब्रजेश, सीमाएं सील होंगी, पीएम मोदी का दौरा है और नेपाल में एक निकाय चुनाव भी। विशाल, आपको बता दें कि 13 तारीख को नगर निकाय का चुनाव होना है, जिसको लेकर आज रात 12 बजे भारत नेपाल का जो सुनौली सीमा है और फूटीबारी सीमा है उसको सील कर दिया जाएगा। हालांकि जो भारत की जो खुफिया एजेंसी है और जो नेपाल की एजेंसियां हैं उसको मिलके दोनों आपस में असमंजस बनाकर चुनाव संपन्न कराने के लिए चार चौबंद गए। हालांकि विशाल आपको बता दें कि 16 तारीख को जो है पीएम नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, उसको लेकर जो जो एजेंसियां हैं वो काफी मुस्तैद हैं। जी विशाल, मेरे को और क्या चौकसी की गई है, वाहनों को जो एंट्री मिल जाती थी कुछ काम, क्या उन्हें भी रोक दिया गया है? जी आपको बता दें विशाल की आज रात जो भारत नेपाल सीमा सील होगी उसको लेकर सारी एजेंसियां मुस्तैद है। हालांकि वाहन की बात करें तो नेपाल सील होने के कारण जो वाहन है वो नेपाल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो नगर निकाय चुनाव के 72 घंटे बाद ही सीमा खोला जाएगा, जिससे जो भारतीय वाहन है वो नेपाल में प्रवेश कर पाएंगे। जी विशाल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। तो आज रात 12 बजे सील की जाएगी भारत नेपाल सीमा।